डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं, अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। ये होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे, तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नजर में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। ये सवाल खड़े करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की एक के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने और असम के एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे की के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया पीपीई किट सप्लाई करने का, और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपए प्रति किट का। जो 600 रुपए में किट मिल रही थी वो 600 रुपए की किट असम में सप्लाई हो रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपए वाली किट 1680 रुपए में सप्लाई कर दो, वो भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो, वहां से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे। तो जब 600 रुपए की पीपी किट मिल रही थी तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपए में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फरमाएं। बहुत करप्शन की बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं आज देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को करप्शन की कोई समझ है कि नहीं है। विपक्षी पार्टियों पर करप्शन की खबर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दो और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते रहेंगे जब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो, लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के संबंधित कंपनियों को ठेके दिए, अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिए। एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है, एजाइल एसोसिएट्स। इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि यह कंपनी स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी है एजाइल सॉफ्ट एसोसिएट। इसको फिर इन्होंने एक और ठेके दिए और इस बार इनको ठेका दिया 2205 रुपए प्रति किट।
खुलेआम चल रहा था, 600 रुपए की किट 900 रुपए में, 1600 रुपए में, 2200 रुपए में। क्यों? क्योंकि पत्नी की कंपनी है, पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है। बिना ठेके कंपनी दिए, ठेके दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो किसी को भी दे दो, किसी भी रेट पे दे दो। कोविड का बहाना है, इमरजेंसी का बहाना है। फरुखाबाद में गैस से भरी